लंबे समय पहले एक गांव में विनोद और सावित्री नामक पति पत्नी रहते थे। उनके साकेत और प्रणवी नामक दो बच्चे भी थे। विनोद एक छोटा नौकरी करता था। विनोद को पता था कि उसकी पत्नी बहुत बुद्धिमान और तेज है, इसीलिए उसे हर काम में बहुत प्रोत्साहित करता था। हर वक्त सिर्फ घर के काम करते हुए समय बिताने के बदले सारे काम जल्दी खत्म करके मैं रोज नए प्रकार के व्यंजन बनाने की कोशिश करूंगी। हाँ, तभी मैं एक ना एक दिन खुद का एक नाम कमा पाऊंगी। ऐसे हर रोज अखबार में, टीवी में अलग प्रकार के व्यंजनों को देख घर पे बनाने की कोशिश करती थी। एक दिन अखबार में मटका मटन बिरयानी का विधि पढ़ के उसके घर में सारे काम खत्म करके एक मटके को लेके उसे साफ करके मटन बिरयानी के लिए जरूरी सामग्री तैयार रख के मटन बिरयानी बनाती है। घर में मौजूद परिवार वालों को मटके में बिरयानी परोस के उसे स्वाद करने कहती है, ताकि वो ये जान सके कि उसका स्वाद कैसे है। उसके पति और बच्चे मटन बिरयानी का नाम सुनते ही उत्साहित होके खाना शुरू करते हैं। अखबार में जैसे दिया गया था वैसे ही बनाने पर मटन बिरयानी बहुत तीखा बनता है। माँ, मटन बिरयानी बहुत तीखा है, इसे खाना मुझसे नहीं होगा, ऐसे कह के चला जाता है। और उसके पीछे ही प्रणवी और उसके पति विनोद भी चले जाते हैं। अपने परिवार वालों का उसके हाथ का बिरयानी ना खा पाना उसे बहुत निराश करती है। उसे दुखी देख उसके पति उसके पास आके कहते हैं, अरे सावित्री, क्यों दुखी हो? पहली ही बार में अगर इतना अच्छा आया तो अगली बार सोचो और कितना अच्छा आएगा। तुम निराश मत हो, एक और बार कोशिश करो, ऐसे उसके पति का कहना मानती है। मेरे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे मटन बिरयानी वैसे भी अच्छे से बनाना आता है और इसीलिए मटके में भी अच्छा ही बनाऊंगी। कुछ दिन बाद सावित्री वापस मटके में मटन बिरयानी बनाती है। आज का मटन बिरयानी मैंने अखबार में दिए हुए विधि के प्रकार नहीं, बल्कि सभी सामग्री को सही मात्रा में डालकर बनाया है, ऐसे सोच के सभी को बुला के मटका मटन बिरयानी परोसती है। माँ, इस बार मटन बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ माँ, बहुत ही स्वादिष्ट। सही में बहुत ही स्वादिष्ट है सावित्री, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, तुम्हें तो एक होटल लगाना चाहिए। उसके पति के बातें सुनकर उन्हीं के बारे में सोचती रहती है। मेरे पति के बातों के अनुसार ही अगर मैं एक होटल शुरू करूं तो घर के सारे काम करने के बाद वैसे भी मैं दिन भर खाली ही रहती हूँ। ये फैसला करके अपने पति के पास जाती है। सुनिए, आपकी बातों के बारे में मैंने बहुत सोचा है। मैंने फैसला किया है कि मैं एक होटल शुरू करूंगी। आजकल का कोई भी होटल वैसे भी मटके का बिरयानी नहीं बेच रहे हैं, इसीलिए मैं मटका बिरयानी बना के बेचना शुरू करूंगी। सावित्री, तुम सही बात कर रही हो, मुझे भी ऐसा कभी नहीं लगा कि मटके का बिरयानी भी इतना स्वादिष्ट हो सकता है। इतना ही नहीं, तुम्हारे जितना अच्छा तो और कोई नहीं बना सकेगा। ऐसे वो एक होटल शुरू करने के लिए सभी तैयार करती है। एक होटल शुरू करती है। उस होटल को मटका मटन बिरयानी का बोर्ड लगा के बिरयानी बेचना शुरू करती है। जब वो मटका मटन बिरयानी बनाती है तो वो सुगंध उस तरफ से जाते हुए सबको आकर्षित करता है और मुड़के देखने पर उन्हें वो बोर्ड दिखाई देती है। मटका में बना हुआ बिरयानी? मैंने तो ये कभी नहीं सुना। मटके में तो पानी भरते हैं ना, बिरयानी भी बनाते हैं क्या? पता नहीं यार, लेकिन सुगंध तो इतना अच्छा आ रहा है कि अभी खाने का मन कर रहा है, ऐसे कह के उस होटल को जाते हैं। होटल को आए हुए ग्राहक को वो गर्मा गर्म बिरयानी देती रहती है। मटका मटन बिरयानी मतलब हमने कुछ और ही सोचा, पर ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ, मैंने भी इतना स्वादिष्ट बिरयानी अब तक नहीं खाया। हाँ यार, मटका मटन बिरयानी सच में बहुत स्वादिष्ट है। होटल को आए हुए सारे ग्राहक
उसका अभिनंदन करते हैं। ऐसे सावित्री का शुरू किया मटका मटन बिरयानी होटल बहुत आगे बढ़ता है। उस गांव के जमींदार भी मटका मटन बिरयानी के बारे में सुनकर उनके घर में दावत के लिए वहीं से बिरयानी मंगवाते हैं। जमींदार की आज्ञा के प्रकार ही मटका मटन बिरयानी तैयार करके जमींदार के सेवक को देकर भिजवाती है। उस मटन बिरयानी को स्वाद करने के बाद उस दावत में सभी उसी बिरयानी के बारे में ही बात करते हैं। ऐसे उनका बनाए हुआ मटका मटन बिरयानी बहुत सारे गांव में इतना प्रसिद्ध होता है कि कोई भी दावत हो तो सभी सिर्फ वहां से मंगवाते हैं। ऐसे ही सावित्री उसके विचार के अनुसार खुद एक बहुत अच्छा नाम कमाती है और खुश रहती है। आज अगर मैं इतना बड़ा नाम कमा पाई हूँ तो वो सिर्फ मेरे पति के प्रोत्साहन की वजह से ही कर पाई हूँ। क्या हुआ सावित्री, बहुत समय से देख रहा हूँ बहुत गहरी सोच में पड़ गई हो। आज अगर मैं इतनी खुश हूँ तो सिर्फ आप ही की वजह से। जब मैं निराश हुई तो आप ही ने मुझे प्रोत्साहित किया, आपने मुझे बहुत सहारा दिया, आज उसी की वजह से मैं इतना नाम कमा पाई हूँ। उसके बाद से विनोद अपना नौकरी छोड़ के होटल को संभालने लगता है। जो भी होटल से बिरयानी मंगवाता है उन्हें खुद मटन बिरयानी देता है और ऐसे वो दोनों खुशी से जीते हैं।